पांचवें चरण में अमेठी लोकसभा का चुनाव सोमवार को संपन्न होने के बाद ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखवा दिया गया है। इसके सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगवाए गए हैं, साथ ही अर्धसैनिक बलों और पुलिस की सुरक्षा भी रहेगी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी निगरानी रखने की सहूलियत दी गई है। उनके लिए अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से टीवी स्क्रीन पर कैमरों के जरिए ईवीएम की सुरक्षा देख सकते हैं। इसके अलावा जिले के पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी नजर रख रहे हैं। मंगलवार को डीएम निशा आनंद ने बताया कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा कर सील करा दिया गया है। कर्मचारियों के अलावा किसी की भी एंट्री यहां नहीं होगी। कर्मचारियों के लिए पास जारी किए गए हैं। बिना पास दिखाए किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।